आप सभी लोग यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते होंगे, चाहे चार्जिंग के लिए हो या डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हो। तो आज मैं आपको यूएसबी केबल का एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको आप ट्रिक कह लीजिए, सीक्रेट कह लीजिए, जो कुछ भी कहना है कह लीजिए, लेकिन इसके बारे में आपको एक बहुत ही सॉलिड बात बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए लाइक टारगेट रखते हैं 2999 लाइक का। बहुत बड़ा नहीं है, आप लोग इसे पूरा कर सकते हैं नीचे लाइक वाले बटन पर क्लिक करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माई प्राइमरी सॉल्यूशन। अगर आपके चार्जर में यूएसबी केबल दिया हुआ है तो जब आप इसे अपने चार्जर में लगाते होंगे तो एक बार में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी फंस जाता है यानी कि उल्टा लग जाता है, तो फिर आपको उलट करके मतलब घुमा करके लगाना पड़ता है। या अगर आप इसे लैपटॉप में लगा रहे हैं तो एक बार में लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसे फिर उलट करके लगाते हैं तब जा करके अंदर जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप पहले से ही पहचान सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने यूएसबी केबल को अपने लैपटॉप में या अपने चार्जर में लगाना है, ताकि सही तरीके से आप लगा सकें। तो देखिए, आपके यूएसबी केबल में एक डिवाइडर होता है, इसको आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, एक मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपके यूएसबी में एक, देखिए इस साइड में डिवाइडर होता है, आप देख पा रहे होंगे डिवाइडर होता है। तो क्या करना है आपको कि डिवाइडर हमेशा नीचे रहता है, जब भी आप अपने यूएसबी केबल को अपने लैपटॉप में लगाएं या कहीं भी इस्तेमाल करें तो ये हमेशा नीचे रहता है। इसको आप हमेशा नीचे रखिए और इस वाले पार्ट को, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है जिसमें डिवाइडर नहीं है ये हमेशा ऊपर रहता है, और ये वाला पार्ट जिसमें डिवाइडर है आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बीच में ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ये हमेशा नीचे रहता है। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही तरीके से यूएसबी आपके लैपटॉप में लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं चार्जर की बात करूं तो अगर आपके पास कोई ऐसा चार्जर है जिसमें सही तरीके से निशान दिया हुआ है कि ये ऊपर का साइड है और ये नीचे का साइड है, तो उसमें आप इसे आसानी से लगा सकते, ये लोगो है इनका। तो आपको क्या करना है, देखिए लोगो है तो बिल्कुल सीधा रखना है आपको अपने चार्जर को, और ये जो डिवाइडर है हमेशा नीचे रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने चार्जर में लगा देना है, देखिए बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगा। लेकिन अगर आपके चार्जर में कोई सिंबल नहीं है कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तो आपको क्या करना है, अपने चार्जर में एक बार यूएसबी केबल को लगा करके ट्राई करना है। जैसे देखिए मैं इस तरह से लगाता हूँ तो नहीं लग रहा है, ये देखिए नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, घुमा करके ऐसे लगा देना है, लग जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला साइड है, जैसे देखिए ये डिवाइडर, ये नीचे वाला साइड है, ए वाला, ये नीचे वाला साइड है, नीचे डिवाइडर है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ निशान बना देना है, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है ऊपर का पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है नीचे का पार्ट है। तो इस तरह से दोबारा अगर आपको कभी यूज करना होगा चार्जर में, या आपको लैपटॉप कंप्यूटर में कभी यूएसबी केबल का यूज करना होगा, तो आप बहुत ही आसानी से सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसी तरह की आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके, और उसके बाजू में आपको एक बहुत ही प्यारा सा घंटी का आइकन मिलता है, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।